वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल स्मार्ट सपोर्ट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, देखिए मेडिसिन की जानकारी दवा के नाम से कैसे पता करें कि दवा किस काम आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हम दवा को ले जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, और ये सारी दवाएँ रखी हैं ना। हम क्या करते हैं, दवा को ले गए और पूछते हैं भाई ये बता देना ये दवा किस काम में आएगी, है ना। तो आज मैं ऐसा सॉल्यूशन लाया हूँ कि दवा का आप नाम पढ़कर, देखिए यह कवर पर नाम पढ़कर आप बता सकते हैं ये दवा किस बीमारी के उपचार में काम में आएगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भाई ये दवा लो, ये टैबलेट बुखार की है, ये जुकाम की है, ये खांसी की है ना, ऐसे बात करते हैं। वैसे फ्रेंड्स आप नाम पढ़ेंगे और बता देंगे ये दवा इस काम में आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, यही बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट ये आज की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ फ्रेंड्स, मैंने कम से कम ये वाली 80% लोगों को यही देखा है, दवा ले जाएंगे उनको नहीं पता होता है कि भाई ये दवा किस काम की है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं वो कलर से देखते हैं, भाई पैरासीटामोल इस कलर की आती है ना, ये वाली टैबलेट इस कलर की आती है, डिस्प्रेशन इस कलर की आती है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि आज से आप दवा का नाम पढ़कर बता सकते हैं किस बीमारी के लिए काम में आएगी, चाहे कितने भी नाम हो। ओके चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट आते हैं हम, देखिए आपको जानने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको सफिक्स और प्रीफिक्स। ओके देखिए सफिक्स, देखिए यहाँ पढ़िए, शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। सफिक्स देखिए यहाँ पर स्कूटर, मास्टर, डस्टर, इनमें क्या कॉमन है, टी ई आर, देखिए कॉमन है लास्ट में, टी ई आर और टी ई आर, इसी को बोलते हैं सफिक्स। कोई भी शब्द है उसके जो बाद में जुड़ते हैं वर्ड, है ना, और कॉमन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स। ये बात जान गए सफिक्स क्या होता है, शब्द के अंत में जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स की बात करें, शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं, देखिए डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज, अब देखिए इसमें डिस, डिस और डिस, देखिए शुरू में ऐड है ना, शुरू में ऐड है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। यानी कि शब्द के जो शुरू में वर्ड जोड़े जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और जो बाद में जोड़ते हैं उन्हें सफिक्स। तो फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, सफिक्स और प्रीफिक्स से ही जानते हैं फ्रेंड्स बाकी का। देखिए दवा के दो तरीके से दवा का नाम होता है, देखिए एक होता है ब्रांड नेम, है ना, और दूसरा होता है साल्ट नेम। अब देखिए जो बीमारियों की दवा होती है वो साल्ट के हिसाब से होती है ना, तो हम सारे साल्ट जान जाएंगे तो हमें नाम से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नाम दवा का हो बस साल्ट नेम पढ़ेंगे हम और हमें पता चल जाएगा ये इस बीमारी से, है ना। तो वही मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते, प्रीफिक्स सफिक्स आई होप समझ गए आप, आगे चलते फ्रेंड्स। आगे देखिए सबसे पहले ये देखिए प्रेजोल, है ना, सफिक्स चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए डैश लगा हुआ है, डैश का मतलब है जो इस टैबलेट का नाम है वो आगे है, ठीक है, नाम है वो इधर आगे है, यहाँ पे जुड़ेगा नाम, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा। जैसे देखिए पेंटाप्रेजोल, है ना, पेंटाप्रेजोल, देखिए पहले जोड़ा है तो ये क्या है, पेंटाप्रेजोल, है ना, नाम पहले जोड़ा है और ये सफिक्स में, तो हम क्या कहेंगे इसको, जो प्रेजोल है वो सफिक्स वर्ड है, ठीक है। तो सफिक्स हमने जाना, आप देखिए पेंटा है, ओमे प्राजोल है, लेंजो प्राजोल है। अब देखिए ओमे से हमें कोई मतलब नहीं, पेंटा से कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है भाई, प्रेजोल यानी कि प्रोजोल। जैसे प्रेजोल किसी भी दवा पर लिखा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए देख क्या लिखा है, ये प्रेजोल, है ना, हमने ओमे पर ध्यान नहीं दिया, चाहे ओमे हो चाहे पेंटा हो चाहे लेंजो, है ना, मतलब एक ही है, दवा एक ही काम में यूज होनी है। ओके तो फ्रेंड्स इस कैटेगरी होती है इसकी एंटी अल्सर, यानी कि हमारे पेट की जो बीमारी होती है, अल्सर की बीमारी होती है उसमें, यानी कि देखिए इट इज़ यूज्ड इन गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट, हमारे पेट की जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उसमें यूज होता है प्रेजोल। यानी कि जहाँ भी आपको प्रेजोल वर्ड दिखाई दे जाए, प्रेजोल समझ जाइए भैया किसकी है, अल्सर की है, पेट दर्द की है दवा। ओके इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे चलें फ्रेंड्स, अगला सफिक्स वर्ड है देखिए फेनिक, क्या है, फेनिक, आगे डैश है, इसका मतलब क्या है, ये सफिक्स वर्ड है फेनिक, ठीक है, फेनिक। अब देखिए यहाँ पे देखिए ब्रोमफेनिक, डाइक्लीफेनिक, नेपाफेनिक, है ना, तो सिर्फ हमें फेनिक दिख गया, है ना, सिर्फ फेनिक दिख गया तो हम क्या समझेंगे, देखिए मेडिसिन की कैटेगरी क्या है, एनसेड, ठीक है। सिर्फ आपको ये जानना है कि दवाई किस काम में आएगी, है ना, तो सिर्फ आपको ये कैटेगरी याद नहीं करनी है, ठीक है, याद रखें कैटेगरी, ये एडवांस लेवल है थोड़ा सा। तो मेडिसिन कैटेगरी का एनसेड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ओके
तो इसका यूज होता है फ्रेंड्स दर्द को दूर करने में, बुखार, इन्फ्लामेशन कह सकते हो, सूजन। ओके फ्रेंड्स, तो दर्द में, सूजन में, बुखार में, जहाँ भी आपको फैनिक बर्ड दिख जाए, जहाँ भी आपको क्या दिख जाए फ्रेंड्स, फैनिक बर्ड दिखाई दे जाए, फैनिक। ओके, तो देखिए फैनिक 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 बर्ड जहाँ भी दिखाई दे जाए, आप समझ जाओ ये दर्द के काम में आएगी। ठीक है, फीवर में भी खा लेते हैं उस टैबलेट को और सूजन के लिए भी। ओके, आगे चलें फ्रेंड्स, अगला सॉल्ट देखते हैं। देखिए फ्लोक्सासिन, सफिक्स वर्ड क्या है, फ्लोक्सासिन। ज़्यादातर आपने फ्लोक्सासिन देखा होगा, आप जरूरी नहीं टैबलेट हो, सीरप हो, इंजेक्शन हो फ्रेंड्स, सबके लिए जो सफिक्स वर्ड है वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। ओके, ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे देखा, देखिए फ्लोक्सासिन, कुछ समय के बाद आप दवा का नाम याद करना भूल जाएंगे, सिर्फ आप क्या देखा करेंगे, फ्लोक्सासिन, ये सफिक्स वर्ड, बस सफिक्स वर्ड दिखाएंगे, बेसी, लेवो, ओफ्लो, फ्लोक्सासिन, इन चीज़ों से आपको मतलब ख़त्म हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखें, है ना। ऐसा मैं ट्रिक बता रहा हूँ आज। देखिए फ्लोक्सासिन साल्ट देखा आपने, तो इसकी कैटेगरी क्या होती है, क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक टैबलेट होती हैं, वो क्या करती हैं, जो हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना, जो बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड, मलेरिया, सब बैक्टीरिया से ही तो होते हैं, तो जितने भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती हैं हमें, उनके लिए हम फ्लोक्सासिन क्या लेते हैं, साल्ट लेते हैं। ठीक है, फ्लोक्सासिन चाहे इंजेक्शन के रूप में लें, चाहे टैबलेट के रूप में, चाहे सीरप के रूप में, फ्लोक्सासिन हमने देख लिया, इसका मतलब क्या है भाई, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, और किसके लिए काम आता है ये, वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया से जितने भी रोग होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जितने भी रोग होते हैं वो इससे खत्म हो जाते हैं। आगे चलें फ्रेंड्स, अगली है फ्रेंड्स, देखिए नेजोल, नेजोल, NAZOLE, नेजोल। नेजोल की हमने बात की, देखिए माइकोनाजोल, फ्लूकेनोजोल और टर्कोनाजोल, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लूकैनो से कोई मतलब नहीं, टर्कोना से कोई मतलब नहीं, माइको से, हमने सिर्फ नेजोल देखना है। नेजोल नेजोल लिखा है, तो नेजोल ये होता है एंटी फंगल, एंटी फंगल यानी कि जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं हमें उनके खिलाफ ये क्या करता है, उनके अगेंस्ट ये हमारी जो स्किन है या हमारी बॉडी का ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, तो वर्क अगेंस्ट फंगस इन्फेक्शन, जैसे दाद, खाज, खुजली, जहाँ भी आपको नेजोल दिख जाए, कोई भी दवा का नाम है, यहाँ देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए ये, देखिए ये है ना नाम में, तो नेजोल आपको जहाँ भी दिख जाए, सफिक्स में पीछे लिखा हुआ, जहाँ भी नेजोल दिखा लिख जाए, चाहे टैबलेट हो चाहे इंजेक्शन हो, आप समझ जाइए दाद, खाज, खुजली के ही काम में ये टैबलेट या इंजेक्शन आएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें, अगला है फ्रेंड्स, देखिए मायसिन, MYCI यानी मायसिन साल्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। ओके, मायसिन जैसे अजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन एटसेट्रा, यानी कि फ्रेंड्स जो मायसिन है फ्लेवर, सॉरी हम कह रहे हैं फ्लेवर, ये है जो साल्ट है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एंटीबायोटिक्स होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है फ्रेंड्स, वर्क अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, देखिए मैंने अभी बताया था आपको, जैसे टाइफाइड है ना, ये बैक्टीरिया से होते, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक्स के रूप में इस माइसिन साल्ट को लिया जाता है। अब देखिए चाहे क्लैरिथ हो, चाहे एजिथ्रो हो, चाहे एरिथ्रो, ठीक है, इस चीज़ से मतलब नहीं, माइसिन दिखा एंटीबैक्टीरियल। ओके, ध्यान दें, एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट देखिए वाइटल, नेक्स्ट बात कर रहे हैं वाइटल की, VITAL, देखिए ब्यूटल वाइटल, ठीक है, ब्यूटावार वाइटल, ठीक है, फेनोवार वाइटल, हमें कुछ नहीं जानना, सिर्फ वाइटल देखना है, वाइटल देखना है और वाइटल देखना है। देख लिया वाइटल, इसकी कैटेगरी होती है सेडेटिव। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, कहते हैं नींद की गोली चाहिए हमें, नींद की टैबलेट है ना, वो कौन सा साल्ट होता है, वाइटल। ठीक है, घबराहट दूर करने में, जैसे हम कभी क्या हो जाते हैं, ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, तो हमारी बॉडी को शांत करने के लिए कौन सा हम लेते हैं साल्ट, वाइटल। कोई भी इनमें से टैबलेट ले लो, ठीक है, जिस पर वाइटल सफिक्स वर्ड हो, उससे हमें घबराहट दूर हो जाएगी, या तो नींद नहीं आ रही है तो नींद आ जाएगी फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स वाइटल का होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलें, अगला देखा हमने टिडीन, देखिए टिडीन, TIDI यानी टिडीन, ठीक है, हमने टिडीन को जाना। अब देखिए रैनी टिडीन, जैसे निजा टिडीन,
इन जैसे ये दवाइयाँ हैं तो सिर्फ हमें टिडीन देखना है पीछे, रैनी से कोई मतलब नहीं, नीजा से कोई मतलब नहीं, टिडीन देखना है। जहाँ हमने टिडीन देखा तो एसिडिटी, पेट विकार यानी कि पेट खराब हो जाता है हमारा, हमें कब्ज हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, पेट में गैस बनने लगती है फ्रेंड्स, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, टिडीन साल्ट। ठीक है, रैनी टिडीन हो चाहे निजा टिडीन हो, बस आपको टिडीन देखना है, समझ जाइए पेट दर्द के काम में आएगी, पेट दर्द नहीं सॉरी एसिडिटी, पेट विकार, गैस से प्रॉब्लम है आपको, पेट खराब हो गया है वहाँ पर। इसकी कैटेगरी फ्रेंड H2 एंटागोनिस्ट। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, फ्रेंड्स ऐसी लगातार वीडियो चैनल के थ्रू मैं लाता रहता हूँ फ्रेंड्स, तो सपोर्ट करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलता हूँ नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।